लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बस करो यार। हाँ, कट इट।
वंडरफुल, ग्रेट। एक सुपरस्टार को अपनी फिल्म में लेने से यही फायदा होता है। वाह रवि, क्या शॉट दिया! तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। तुमसे एक शिकायत है रवि। क्या? तुमने मेरा ये चेक क्यों वापस कर दिया? क्या तुम समझते हो मैं तुम्हारी पिक्चर में पैसों के लिए काम कर रहा हूँ? मिस्टर मनी, आई डोंट वांट योर मनी। मनी यार, बचपन की दोस्ती तुम कीमत लगा रहे हो। पर तुम अपनी पिक्चर विक्चर बना लो, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। जब जब संसार पर कष्ट आया है, कोई ना कोई पुनितात्मा जन्म जरूर लेती है। मैं तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले चलूंगा जहां तुम्हें मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, रोशनी मिलेगी। महाराज, मेरे सारे रुपए चोरी हो गए, मैं लुट गया महाराज, मैं बर्बाद हो गया महाराज, बर्बाद हो गया। जब पहले ही नहीं सोचा था मूर्ख, तो अब क्या सोचता है? हरिओम, इससे नई जिंदगी शुरू कर। लेकिन एक बात याद रख कि ईमानदारी और मेहनत की कमाई में ही बरकत है, बाकी सब मिथ्या है। धन्य हो महाराज, धन्य हो। जाओ बच्चा जाओ। महाराज, हम जानते हैं देवी, हमारी समाधि का समय हो गया है। हरिओम हरिओम। भक्तो, स्वामी जी का समाधि में बैठने का समय हो गया है, आप लोग जा सकते हैं। ये सभा कल फिर आरंभ होगी। महाराज, सब लोग चले गए? हाँ चले गए। द्वार बंद हो गए? बंद हो गए। हरिओम हरिओम। रास्ता दिखाओ माँ। हरिओम 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 हरिओम। पंचों कर दी, कितना चढ़ाला हुआ है? 5,000। 5,000? आप बहुत थक गए हैं महाराज, थोड़ा सा जलपान कीजिए। कहो अवधूत, सब कुशल तो है ना? खबर मिली है कि डायरेक्टर मनी बाबू ने मशहूर सुपरस्टार रवि कुमार को अपनी पिक्चर के लिए साइन कर लिया, और बहुत जल्द वो दोनों आउटडोर शूटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। एक और झटका, मैं जरा इसका स्तर ऊंचा कर लूं। अगर ये फिल्म बन के रिलीज हो गई तो आपकी असलियत सारे जमाने पर जाहिर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। इतनी ग्रेट फिल्म बन रही है, एक कप चाय का नहीं मिलेगा? चाय का नहीं मिलेगा? आपको तो किसी बात का कोई असर ही नहीं है। मैं सच कहती हूँ, भगवान कभी किसी को कोई फिल्म वाले के पल्ले ना बांधे। ये लीजिए आपका खत। खत? इसमें क्या लिखा है? मुझे क्या मालूम, मैंने आज तक कभी कोई खत पढ़ा है आपका? खुद ही पढ़ लीजिए ना। मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय?
बेशरम। ये चिट्ठी सिर्फ तुम्हें खबरदार करने के लिए लिखी गई है। तुम इस फिल्म को बनाने का इरादा छोड़ दो, वरना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी बीवी के लिए इस फिल्म से ज्यादा कीमती है। उस दिन ये फिल्म बनेगी और जरूर बनेगी। अयो लॉर्ड मुर्गा, आज तुमने मुदलिया राव को चोकरियों से बचा लिया। अरे धन्यवाद धन्यवाद। ये चोकरी लो आ गया बेटा। अरे आज बड़ी जल्दी छुट्टी मिल गई। माँ तुमने कैसे जान लिया कि मैं ही हूँ? तू अपनी बात कह रहा बेटा, मैं तो ये भी जानती हूँ कि तेरे दिल में क्या है। अच्छा, जिस दिन भगवान ने मेरे दिल की सुन ली, तेरा हाथ उसके हाथ में देकर मैं काशी चली जाऊंगी। आइडिया बुरा नहीं है माँ, बस सोचो ना, बचपन से तुम्हारे हाथ का खाना खाते आया हूँ, आदमी बोर नहीं हो जाता। अरे वाह, अभी तो सिर्फ शादी की बात ही की है। शादी हो गई तो दिन भर बहू का पल्लू पकड़ कर उसके पीछे पीछे घूमता रहेगा। ये मैंने कब कहा माँ। अच्छा फर्ज कर लो कि मैंने शादी कर ली और तुम्हारी बहू घर आ गई, हाँ, अब सुबह नाश्ता वो मुझे खिलाएगी, उसके बाद मैं स्टूडियो चला जाऊंगा शूटिंग के लिए, फिर लंच टाइम पे वो खाना लेकर स्टूडियो आएगी और उसके साथ खाना खाऊंगा, फिर रात को उसके साथ खाना खा के मैं घूमने चला जाऊंगा, फिर सो जाऊंगा, उसके बाद जो भी टाइम मिलेगा तुम्हारे साथ बिताऊंगा माँ। हाँ ठीक है, तो मैं अभी काशी चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, ना मैंने शादी करनी है और ना तूने काशी जाना है, बस अब जल्दी से खाना खिला दो, नहीं तो ये अंगूर खा खा के मैं डंग हो जाऊंगा। चल सारे सारे स्टार मैगजीन सारे। राव मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि जब भी मैं अपनी माँ के साथ रहूँ मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आउट। सारे मैं तो समझ गया जी, मगर सॉरी अम्मा, ये शीला अम्मा को कौन समझाए जी। वो शीला अम्मा स्टार मैगजीन के लिए रवि कुमार का इंटरव्यू मांगता है जी। हम शीला अम्मा को बोला कि आप अपनी अम्मा के साथ बिजी है जी, मगर वो हमको बोलता है कि हमको रवि कुमार का फोटो देना है स्टार मैगजीन में रीना रॉय अम्मा के साथ। हम जाते सर, हम तो बोला था ये शीला अम्मा हमको नौकरी से बाहर करेगा और हमारा अम्मा हमको मारेगा। ये शीला अम्मा हमको सॉरी अम्मा, अरे अरे मगर ये शीला हम तो बोला शीला अम्मा। अरे जाता सर। आपका ये घर, ये एटमॉस्फेयर मुझे बहुत अच्छा लगा, हर चीज खूबसूरत है आपकी तरह। खैर और कोई सवाल? बस एक आखिरी सवाल। फरमाइए। आपके चाहने वाले तो दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपने भी कभी अपने बारे में सोचा है? मेरा मतलब है योर पर्सनल लाइफ। आज तक तो नहीं सोचा, लेकिन अब सोच रहा हूं। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। सुनो। अरे रोशनी चली गई, ये बड़ी मुसीबत है। कोई मुसीबत नहीं, आप इसी तरह रहिए मेरे करीब। लेकिन अंधेरा बड़ी मुद्दत के बाद ये अंधेरा नसीब हुआ है और फिर आप करीब हैं तो रोशनी की क्या जरूरत है। अरे कहां कहां किस किस दिन किस किस वक्त पे आओगे, कहाँ कहाँ किस किस दिन किस किस वक्त पे आओगे। जहाँ जहाँ जिस जिस दिन जब जब मुझे बुलाओगे तुम, जब जब मुझे बुलाओगे। ए कहाँ कहाँ किस किस दिन किस किस वक्त आओगे। हाँ जहाँ जहाँ जिस जिस दिन
हट जाए जब मेरे होठों से तेरी याद लिपट जाए और प्यार दर्द बन के मेरे दिल में सिमट जाए भैया सूरज की हा? नौकरी के लिए बॉम्बे आए थे लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। मैं उन्हीं की तलाश में बुलाए हूँ लेकिन अरे मैं आपके लिए चाय लाना तो भूल ही गई। नहीं रहने दो, जहाँ चाह मिल जाती है ना वहां चाय की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा मैं चलता हूँ, रात बहुत हो गई है, सुबह सुबह जल्दी मुझे ट्रेन पकड़ना है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? एक नई पिक्चर के लिए आउटडोर शूटिंग पे जा रहा हूँ। करेक्ट, वेरी गुड, ओके। और रवि अब तुम्हारा शॉट है। रवि हमने सीन यहां से शुरू किया है कि तुम यहां से भागे चले आ रहे हो, ये बच्चा तुम्हारे हाथ में और तुम पुलिस से डरे हुए और तुम पुलिस के डर के मारे तुम यहां छुपते हो। पुलिस आई यहां वहां देखा और पुलिस इस तरफ से वहां भागी और तुम इस डर से कि बच्चे के रोने की आवाज से कहीं तुम्हें पुलिस पकड़ ना ले तुम बच्चे का गला दबाते हो। बच्चा चलाना चाहता है लेकिन बच्चा चला नहीं पाता, तुम उसका गला दबाते हो और बच्चा बच्चा दम तोड़ देता है, बच्चा मर जाता है। What? Are you out of your mind? यानी I killed that boy? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, तुम कुछ और सोचो। लेकिन रवि कहानी के अंदर ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है, यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। कहानी नया मोड़ ले या पुराना, मैं इस पिक्चर का हीरो हूं, विलन नहीं। आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है रवि, हीरो या विलन नहीं। और जिस स्वामी का रोल तुम कर रहे हो वो स्वामी नहीं, स्वामी के भेष में एक राक्षस है, शैतान है, स्मगलर है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऑडियंस क्या चाहती है मुझे मालूम है, मुझे अपनी अपनी इमेज के बारे में देखना है, मुझे अपनी इमेज का ख्याल रखना है, मुझे नहीं होगा। अच्छा इसका मतलब यह है कि मैं आपका दोस्त नहीं दुश्मन हूँ, आपकी इमेज बर्बाद करना चाहता हूँ। साफ साफ सुनना चाहते हो, मुझे तो यही लग रहा है। अब मुझे आप पर कोई भरोसा नहीं, मुझे कहानी सुनाइए, करेक्टर सुनाइए मेरा, मुझे पसंद आएगा तो मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है सुन लेना कहानी, शाम को कॉटेज में आइएगा, कहानी सुना दूंगा। मनी बाबू जी हमारे आश्रम का दूत रह चुका है, उसने भी एक दिन छुट्टी मांगी थी और हमने दे दी। शायद मरने से पहले बाप ने बेटे को सब कुछ बता दी। ये कहानी उन खतरनाक लोगों की दास्तान है जो अपने मकसद के लिए अपने देश अपने ही वतन का खून चूसने से बाज नहीं आते। एक एक सीन में मैंने उनके काले कारनामों का पर्दाफाश किया है, किस तरह वो स्मगलिंग करते हैं,
किस तरह वो कानून को धोखा देते हैं और किस तरह वो उन लोगों को खामोशी से मौत के घाट उतार देते हैं जो उनके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं। सीन नंबर 41, नाइट ड्राइंग रूम। बिल्कुल ऐसा ही कमरा है, ऐसा ही सोफा सेट, ऐसी ही तूफानी रात और जोर से बिजली चमकती है। बारिश हो रही है और ठीक जिस जगह तुम बैठे हो एक खतरनाक स्मगलर बैठा है, एक खूनी, और ठीक उसके सामने इस जगह जहां मैं बैठा हूं एक और इंसान बैठा है, एक ऐसी हस्ती जिसने यह कसम खाई है कि वो इन काले धंधे करने वालों का मुंह काला कर देगा। तुम जानते हो रवि वो हस्ती कौन थी? वो थे मेरे पिताजी। क्या तुम्हारे पिताजी? हाँ रवि, वो बहुत ही नेक और सच्चे इंसान थे, लेकिन अचानक वो स्वामी के चुंगल में फंस गए। लेकिन जब एक दिन उन्हें इस पाखंडी की असलियत का पता चला तो वो तड़प उठे। उन्होंने कसम खाई कि एक दिन सारी दुनिया के सामने स्वामी की असलियत का पर्दाफाश करके रख देंगे। फिर क्या हुआ? फिर वही सी नंबर 41, नाइट ड्राइंग रूम। जान हथेली पर रखकर मेरे पिताजी उस स्वामी के सामने जा पहुंचते हैं और ठीक इसी तरह बैठकर पुलिस का इंतजार करते हैं कि अचानक खिड़की के पीछे खतरनाक शैतान का साया उभरता है। इससे पहले कि वो अपने सामने बैठे हुए उस खतरनाक स्मगलर की धज्जी उड़ा दे, एक तेज चाकू साए के हाथ में उभरता है और दूसरी लम्हे जानते हो रवि क्या होता है? खबर दो। अरे जल्दी करो, कातिल एक बार निकल गया तो हाथ नहीं आएगा। अरे खुद ही आगे बढ़कर पकड़ो ना, जल्दी करो। सरदार बहुत जिद कर रहा था, कह रहा था आपको देखने के बाद ही अपनी जान दूंगा। मार कटारी हमें देखना चाहता है सूचना। मरने वाले की आखिरी हसरत पूरी करने की रस्म है। तैरवा खोल दे इसका ढक्कन। हैरो धंधा सुल्तान माधो सिकंदर, कौन लाया इसे यहाँ? सरदार ये कारनामा हमने किया है। तो तुम लाए हो इसे यहाँ, क्यों लाए हो? सरदार ये माल मिला है इसकी जेब से। 1 लाख की गाड़ी बाहर मौजूद और 2 लाख के चेक पे साइन करवा रहे थे, मगर साला मानते ही। खबरदार जो इस सुसरे को इनको साला कहा तो जानता है ये कौन है? कौन है सरदार? अरे कमबख्तो देखो, पहचानो इसे। ये वही है, वही वही शक्ल, वही रंग और रूप, वही खड़ा होने का अंदाज। चोर मचाए शोर, हसीना मान जाएगी जब तक फूल के लिए रोटी कपड़ा और मकान। अरे मैं पागल हो जाऊंगा।
पागल हो जाऊंगा। सरदार तुमको चढ़ के चल के सो जाओ। अरे जान निकल जाओ खबरदार, जो आज मुझे किसी ने हाथ लगाया तो मार के दारी एक टुकड़े कर दूंगा। रवि कुमार इधर भाई, कोई पैतरा दिखा दो तो, चोरी मेरा काम वाला, जहाँ तुमने दूसरे प्राण को बताया था। दिशु दिशु, आप मुझे जानते हैं? अरे जानता हूँ मैं, सुसरा तो पूजा करता हूँ तुम्हारी। अरे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आंधी आए भूचाल आए तूफान आए, तुम्हारी पिक्चर पहले दिन पहले शो में देखता हूँ। यकीन नहीं आता? नहीं, आओ 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 मेरे साथ आओ आओ आओ। ये देख देख देख, देख, देख चोर बजाए चोर, ये शर्मीली शर्मीली, ये रही ये रही। ताज्जुब है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक डाकू। अरे मैं सुसरा तो ये बिल्कुल ही नहीं सोच सकता था कि एक मशहूर डाकू के घर एक मशहूर हीरो मेहमान बनेगा। इन्हें संभाल के रख दूंगा। अबे ओ सुधरो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जश्न की तैयारी करो, किसी भी कोठे पर जाकर किसी भी गाने वाली को उठा लाओ। हाँ, शेर सिंह के घर में उसके महबूब कलाकार ने पहली दफा झंड कमर रखा है, खुशियां मनाओ। आओ लोगों बैठो जरा, सब माफी मांगो। रवि कुमार जी बहुत भूल हो गई, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, और हजूर आपका ये बटुआ, चेकबुक, थैंक यू, और ये थैंक यू, और घड़ी थैंक यू, और इसके साथ माफी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शेर सिंह लेकिन एक बात की समझ नहीं आई, वो आपको ऊपर से नीचे आते हुए तो देखा, लेकिन बिना रास्ते नीचे से ऊपर कैसे जाते हो? अरे बबुआ ऐसे सरदार, सरदार बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। मुन्नी भाई धर्मपुर के बड़े सेठ के लड़के की शादी में आज रात को मुद्रा कर रही है सरदार। पक्की खबर लाए हो? बिल्कुल पक्की खबर लाए हो सरदार। बात मुखबरी कर चुकी है ये सुसरी मुन्नी भाई, अब उसकी खबर खैरियत पूछने का दिन आ गया। अगर शेर सिंह आज भी नहीं पकड़ा गया मुन्नी भाई, तो ये वर्दी वैसे भी उतर जाएगी, मगर तुम फिक्र ना करो, हमें उसका किस भेष में स्वागत करना है ये मैंने सोच लिया है। मर जा।
सिरसी आंख में धूल जोकर निकल गया, मुन्नी भाई भी भाग गई। सब काम प्लान के मुताबिक ठीक हो रहा है। सर सिरसी का पीछा करें? नहीं, आगे जो करना है मुन्नी भाई अच्छी तरह से जानती है। सरदार वाह, क्या जालिम पैंतरा मारा कि पुलिस चारों खाने चित। अरे भैरवा कम है, आज तक कोई भी माई का लाल उनकी मूछ का बाल नीचा नहीं कर सका। बड़ी शान से सरदार को गिरफ्तार करने आए थे, पर सरदार के चक्कर में ऐसा चक्कर खाया कि बस। अभी कोई नहीं खाएगा, रख जाओ। बबुआ हमारी सेवा में क्या कुछ कमी रह गई है? अरे देख एक अच्छी टांग लटकी हुई है, वो भी तंदूरी। बबुआ जब तक तू नहीं खाएगा ये कोई सूत्रा नहीं खाएगा, मैं भी। अरे बाबू तुम इसलिए चिंतक हो कि तुम्हारा चाहने वाला एक डाकू है? शेर सिंह तुम क्या समझते हो, दुनिया में तुम ही सबसे बड़े डाकू हो? अरे बाबू इसमें क्या शक है, मार कटारी लाखन सिंह मर चुका है, चंपा सिंह ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, अब इन खाटियों में बस शेर सिंह ही अकेला शेर है। आज तक तुम कितना खून कर चुके हो शेर सिंह? 200, 250। लेकिन शहर में ऐसे डाकू भी हैं जो हजार खून करने के बाद भी खुलेआम इज्जत से घूमते हैं। शेर सिंह तुम अमीरों को लूट लूट के डाकू बने हो और वो गरीबों का खून चूस चूस के। इस दुनिया में अमीर कम
और गरीब ज्यादा है शेर सिंह। फिल्मी डायलॉग मत बोलो बबुआ, डाकू कभी गरीब को नहीं लूटता। बार कदारी तुम इतने परेशान क्यों हो, खुल कर बात करो, चक्कर क्या है? पुलिस को मेरी तलाश है। पुलिस को तुम्हारी भी तलाश है? अरे बबुआ पुलिस को हमारी भी तलाश, फिर तो खूब गुजरेगी, जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, मिला तेरी बात पे। अरे ला दूसरा आदमी ला, हाँ ये हुई ना पक्की दोस्ती। क्योंकि उसके बाद अब मैं तुम्हारा सहारा लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता हूँ, जहां पहुंचने से पहले ही मेरे दोस्त को मौत की नींद सुला दिया गया है। बोलो शेर सिंह, मेरी मदद करोगे? अरे बबुआ तुम कहो तो मार कटारी अपना सर काट कर तुम्हारी हथेली पर रख दूं। हाँ शेर सिंह, अगर तुम इस कटारी की प्यास खून से बुझाना चाहते हो तो क्यों ना इसका वार उस शैतान पे किया जाए जो हमारे देश का दुश्मन है, हमारे समाज का दुश्मन है। जीपें, पुलिस। अबुआ सुना है कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, पहुंच ही गए फरिश्ते, लेकिन गिरफ्तार होने से पहले शेर सिंह कुछ करके दिखाना चाहता है। बबुआ अगर किस्मत में फांसी चढ़ना ही लिखा है तो मार कटारी इस देश के दुश्मन को साथ लेकर ही मरूंगा। सब लोग मेरे साथ खुफिया रास्ते से पीछे पीछे चले आओ, आओ। शेर सिंह उसके साथी का है। इंस्पेक्टर साहब, शेर सिंह अब की बार भी आपको धोखा दे गया। अरे बबुआ आज दुनिया की नजरों में रवि कुमार मर गया और उस उनके इल्जाम भी डाकू शेर सिंह के नाम ही लगेगा। लेकिन एक बात है बबुआ, अब तुम्हारी जान के दुश्मन आराम की नींद सो जाएंगे और फिर एक एक को जगाकर मार कटारी हम गिन गिन कर बदले लेंगे। समझे बबुआ? भगवान, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई थी जो इतना बड़ा जुल्म किया तुमने मेरे साथ। माँ जी, बेटी ये क्या हो गया, हमने क्या बिगाड़ा था किसी का? माँ जी अपने आप को संभालिए, जाने वाले कभी लौट कर वापस नहीं आते। रवि कुमार को मारने का डेट हमने तोड़ दिया जी, वो लॉर्ड मुर्गा ने उसको डेट दिया और रवि कुमार ऊपर गया। आई आयो राम कृष्ण राव, अपन ने जो पैसा दिया उसका क्या होगा बे? और मेरा सेट लगा हुआ है, क्लाइमैक्स का क्या होगा? आई आयो क्लाइमैक्स पैसा सेट। अरे मैं पागल हो जाऊंगा जी, मैं पागल हो जाऊंगा। पागल तो तूने हम लोगों को कर दिया है बे। याद है तेरे कुड़म बागम के मंदिर के लिए 70,000 रुपए का चंदा हम लोगों ने दिया था? रवि कुमार तो मर गया पर तू तो जिंदा है, निकाल माल वरना तुझे भी ऊपर पहुंचा दूंगा। अरे बाप रे,
कहाँ भाग रहे हैं मुरलीधर मुदलियार? सुनो, अगर 8 दिन में हमारे पैसे वापस नहीं मिले तो रवि तो मोटर एक्सीडेंट में मर गया, मगर तुम ये तो नमूना था, समझे? समझ गया। शुक्रिया। ओ सगड़ के बच्चे, अब पता चला फिल्म के साथ साथ एक हमारा और भी बिजनेस है। ये रहे वो फिल्म के डब्बे जिनके जरिए मनी बाबू आपकी दास्तान सारी दुनिया को दिखाना चाहते थे और खुद ही दुनिया से उठ गए। हरिओम हरिओम। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। स्वामी जी, अगर आप किसी की आत्मा की शांति की दुआ मांग रहे हैं तो रवि कुमार की आत्मा के लिए भी शांति मांगिए। पक्के हम दिल के सच्चे बात के पक्के और जेब के फक्कड़ पर चक्कर पे चक्कर खा जाए अरे चक्कर पे चक्कर खा जाए हमसे ले जो टक्कर हमसे ले जो टक्कर यही है अपना कहना जरा तुम बच के रहना यही है अपना कहना जरा तुम बच के रहना समझे कदम कदम पे और मिले हैं हमको कदम कदम पे मिले हैं हमको बड़े बड़े धन चक्कर चक्कर पे चक्कर खा जाए हमसे ले जो टक्कर हमसे ले जो टक्कर यही है अपना कहना जरा तुम बच के रहना यही है अपना कहना जरा तुम बच के रहना यही है अपना कहना जरा तुम बच के रहना यही है अपना कहना जरा तुम बच के रहना समझे Yeah!
जहां भी अपना, अरे पड़ा है साया, जहां भी अपना पड़ा है साया, कोई खड़ा ना जमकर, चक्कर पे चक्कर खा जाए, हमसे ले जो टक्कर, हमसे ले जो टक्कर, यही है अपना कहना, जरा तुम बच के रहना, यही है अपना कहना, जरा तुम बच के रहना, समझे? ये जो गुंडा लोग हैं जी हमारे अजय इंस्पेक्टर जी ये पीछा करना हमारा धंधा नहीं है। चुप रहो। अच्छा जी सॉरी अजय हमको किधर ले जाता है ये घोड़े वाला अरे 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 एक 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 बार बताओ इडली सांभर खाओ जी अच्छा जी बालों से भी भूत ही लगता था भूत की तरह गायब हो गया भूतनी का स्वामी जी क्या है वैसे हो गया आश्रम में पुलिस आ पहुंची पुलिस ये शाम न विद्या न तप न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म नमस्कार महाराज क्या कष्ट है बच्चा अभी अभी शहर में एक बहुत बड़ा डाका पड़ा है हरिओम हरिओम मुजरिम आपके आश्रम की दीवार के पास आकर ना जाने कहां गायब हो गया हरिओम हरिओम आपको तकलीफ तो होगी महाराज लेकिन मैं अपने फर्ज से मजबूर हूं आपके इस आश्रम की तलाशी लेनी होगी ये तो भगवान का घर है बच्चा यहां कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है अगर आपको इतराज ना हो तो मैं आश्रम के अंदर की अंदर भी वही मंदिर है बेटा यहां जो अंदर है सो बाहर है जो बाहर है वो अंदर है फिर भी आप देखना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ आइए बालिके भजन कीर्तन का प्रबंध करो जी स्वामी जी प्रस्थान चलिए Thank you.
ये है देवदासियां। ये वो देवदासियां हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है। यहाँ आपको चारों दिशाओं में सिवाय भक्ति और भक्तों के कुछ नहीं मिलेगा। अब अगर आप चाहें तो इनकी तलाश ही ले सकते हैं। आइए आइए, पूजा के फूल, ये सामग्री अगर आप तलाशी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हे भगवान, इन्हें क्षमा कर दो क्योंकि ये अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। हरिओम 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 हरिओम। शेर सिंह, अगर सूरज उनका साथी बन गया है तो हमारी मुश्किल आसान हो गई है। अब उन तक पहुंचे कैसे? रवि, इसका मतलब है तुम भी मेरे भैया पर शक करते हो। अरे, ये तुम्हारा भाई है तो मैं तुम्हारा कोई नहीं। जरा सोचो तो, कोई भाई जानबूझकर अपनी बहन को दुख पहुंचाना चाहता है? शीला, हो सकता है मणि बाबू के पिता की तरह उन्होंने सूरज को भी अपने जाल में फंसाया हो, लेकिन मुश्किल तो यह है कि उस आश्रम की दीवारें तोड़ना नामुमकिन है। ऐसे ये सब क्या हो रहा है? पीछे पूछिए। पीछे? भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? पीछे पूछिए। पीछे? भाई साहब जी, आपको मालूम है ये जगह कौन सी है? आप क्या कर रहे हैं? आप पीछे पूछिए। मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? इज़ाख़ बिन अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद जमालुद्दीन बिन मुख्तरम। एक मिनट। 50, 40, 35, 30, 20, 15, 10, 5, 1, आइए। आप है हमारे सेठ पालनपुर पावर वाला। ओ, आपकी तारीफ? मैं इस होटल का मालिक हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ओ, माफी चाहते, माफी चाहते। हमारे सेठ पालनपुर पावर वाला बिना मुहूर्त के कोई काम नहीं करते। इन्होंने ठीक मुहूर्त पर ठीक कदम उठाया है। एक बार इन्होंने गलत मुहूर्त पर गलत कदम उठाया, आज तक पछता रहे हैं। आगे इनसे पूछिए। हाँ साहब, कमाल का हादसा हो गया। गलत कदम क्या रखा कि पांव तले झिझे जान लटक गई। अरे जान तो संभल गई लेकिन जबान अभी तक अट 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 की हुई है। थैंक यू। आगे की कथा तुम झिझे जारी रखो, छछे छाता लाओ। आपकी तारीफ? तारीफ तो उनकी कीजिए जिन्होंने मुझे बनाया, आपको बनाया, हाँ पर शहर बनाया और हमारे महाराज जी पालनपुर साहब को बनाया। वैसे खाकसार को महाराज जी का सेक्रेटरी कहते हैं। नाम मोहम्मद शरीफ, आदमी शरीफ। आप शरीफ? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं शरीफ। नहीं, रखिए तो शरीफ। वैसे आपकी जगह बैठो। हमको ये जगह पसंद आ गई। तुम जरा इनको अटकाओ जब तक मैं जरा नजर पटकालू। थैंक यू। आपकी किस्मत चाल गई। जब से महाराज की रियासत गई इनका हवा महल चला गया। इन्हें किसी शहर की हवा रास नहीं आई। बताइए आपके अपने इस होटल की क्या कीमत है? कैश दूं या चेक? आपका मतलब है आप ये होटल खरीदना चाहते हैं? आपका मतलब है कि आप अपना ये ढाबा बेचना नहीं चाहते? लेकिन मैं वो सही जल्दी सौदा तय कीजिए, बहुत निकला जा रहा है। सेक्रेटरी जी, क्या तकलीफ है? तकलीफ कोई नहीं साहब, तकलीफ कोई नहीं। मेरे कहने का मतलब था कि अगर आपको जगह बहुत ज्यादा पसंद आई है तो आप आराम से रहिए। क्या है कि मेरी दाल रोटी इससे चलती है,
अब मैं इस होटल को कैसे बेच सकता हूँ? जाने दो सेक्रेटरी, इनकी तो दाल रोटी का सवाल है। हम अपना 35 करोड़ रुपया कहीं और लगा देंगे। वैसे भी अब हम बहुत थक गए। थैंक यू। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन स्वीट का इंतजाम अभी कर देता हूँ। सेक्रेटरी, हमने तो तुम्हें कहा था कि हमें किसी होटल में ले चलो, तुम हमें दर्जी के पास ले आयो। ये सूट की बात करता है, हमारे तो बाप दादा ने कभी सूट नहीं पहना। हम तो चूड़ीदार पजामा और शेरवानी पहनते हैं। सरकार भूल हो गई। सरकार जब दो चार कमरों को इकट्ठा किया जाए उसे स्वीट कहते हैं। स्वीट कहते हैं। चूक हो गई। अब आप चलिए। ठहरो, आगे हम चलेंगे। लेकिन मैं तो आपको रास्ता बताना चाहता हूँ। पीछे से दिखाओ। पीछे से दिखाओ। 4, 5, 6। जल्दी कर धनराज, 3 ही तो पीने वाले हैं। अरे यार, 6 ही बोतलें तो ली हैं। सिर्फ 2-2 हिस्से आएंगी, समझे? बात तेरी भी ठीक है, क्यों तरसा रहे हैं? ये प्रण ये ले। धनराज आया सरकार। जल्दी आओ, जल्दी। वो साला हमारा सेक्रेटरी कहाँ है? भूल गए सरकार, आपने तो हिसाब किताब करने के लिए भेजा है, आता ही होगा। इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ। अंदर। आप कहीं बाहर जा रहे थे? मैं ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहे थे? वो तो अंदर ही है। आइए। बहुत ही अच्छा हो गया, अपना काम अंदर ही हो जाएगा। आप अपना काम कीजिए। मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछने आया था कि आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? नई मैनेजमेंट है कोई? फिकर ना करो दर्जी साहब, हम आदमी पुराने हैं। बेशक आप पुराने हैं, लेकिन ये शहर कम वक्त नया है। अपने पैसे को किसी भी बिजनेस में लगाने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए। मेरी खिदमत की जरूरत हो तो बंदा हाजिर है। ये रहा मेरे बिजनेस वाले दफ्तर का पता। कमाल है, ये पत्ते वाले बिजनेस का दफ्तर अलग ही है। ये हुई ना कोई बात, अगर इस वक्त तुम हमारी रियासत में होते तो हम आपको 50,000 पापड़ इनाम देते थे। थैंक यू वेरी मच जी, इजाजत दीजिए मैं चलता। क्यों, आपको पापड़ पसंद नहीं? आई लव पापड़, आई एम क्रेजी अबाउट देम। चमत्मत कीजिए, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। चिचे 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 जल्दी है। पालनपुर हापड़ वाला, या तो ये पालनपुर हापड़ वाला बहुत ही खतरनाक हस्ती है, या फिर वाकई बिगड़ा हुआ रईस है। रणवीर। ये सर। असलियत का पता लगाओ। अभी लीजिए। सेठ जी आइए। भाई मान गए आपको, क्या रास्ते बनाए हैं, क्या जगह। ये साथ ना होते तो मैं तो भटक गया था। इधर बटन दबाओ इधर रास्ता खुल जाता है, इधर हाथ लगाओ और कली के साथ कला भी है। आपकी वजह से भगवान के दर्शन हो गए, कर लूं? कर लीजिए। जिके 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 जय भगवान। आप जैसे भक्तों के लिए भक्ति का भी ध्यान रखना पड़ता है सेठ जी। जी 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 जी। बताइए सुबह सुबह कैसे तकलीफ की आपने? चिचे चिचे चूक गए आप जी। ये देखिए, ये आप अपनी सोने की सिगरेट की डबिया हमारे यहाँ बुलाए थे। मैं पान खाता हूँ, धूम्रपान नहीं करता। ये गिन लीजिए, पूरे होंगे। चलो अच्छा हुआ इस बहाने आपके 2-12 दर्शन हो गए और आपका दौलत खाना भी देख लिया। अजी कुछ चूं चूं का मुरब्बा बना रखा है आपने अपने घेगे घेगे घर को। ये आप जैसे रईसों की मेहरबानी है सेठ जी, वरना हम किस काबिल। आप तशरीफ रखिए। क्या रखूं? आप बैठिए, मैं अभी। कहाँ बैठूं? घर है सेठ जी, कहीं भी बैठ जाइए। हाँ, वो तो है। क्या कह रहा था, तशरीफ ठीक तरह से रखूं। तुम
बिल्कुल गधे हो। 50 लाख के हीरे किसी बैंक में रख दूं तो मीसा वाले छोड़ेंगे मुझे क्या? तो फिर सोचा क्या है आपने? खैर मैंने सोच लिया। पापा पार्टी वाला आदमी जो हुक्का लेकर आया था, पापा भरोसे का आदमी दिखाई देता है, क्या ख्याल है तुम्हारा? आइए सेठ जी। आ गया, चला तो नहीं गया। मार दिया पापड़ वाले को, बड़ी चुन के जगह चुनी है आपने। थैंक यू। आइए। ये है हमारी खास तिजोरी। तिजोरी तो खास होगी लेकिन ये सलाखें बड़ी पतली हैं। पता नहीं मार दिया पापड़ वाले को, वो भी कोठे पे बुलाकर। देख लिया आपने सेठ जी, अगर कोई मच्छर भी इसे छू लेना तो। लेकिन मैं मच्छर नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब है सेठ जी, अगर किसी ने इसे गलती से छू लिया हमें फौरन खबर मिल जाएगी और 3 मिनट में उसका काम खत्म। छूम लेने को जी चाहता है? क्या बंदोबस्त है आपका? आप मुझे तसल्ली हो गई, ये लीजिए मेरी अमानत और मशीन में रख दीजिए। ढक्कनों में क्या है? बहुत भारी है, सोना है। इन ढक्कनों में किसी की मौत बंद है। मार दिया पापड़ वाले को, मौत का नाम मत लो। मौत का नाम सुनते ही मेरी कलेजी थरथराने लगती है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं सेठ जी, आज से आपके माल की और आपकी हिफाजत हम लेंगे। अब मुझे कोई चिंता नहीं, आज मैं आराम से सो सकूंगा। अब मैं चलू। चलिए आइए। दरवाजा खो रख दिए जी मशीन में। चलू। चलिए नमस्ते। बटन नीचे कर दबाओ। जी हाँ। आज की रात पालनपुर हापड़ वाले की आखिरी रात होगी। ओके कुंदन, तुम यही ग्लास पापड़ वाले के सामने रख देना, पीते ही तीसरी आंख ऊपर जाके खुलेगी सेठ जी की। आइए, इंतजारी ने तेरी खूब दिखाया लहरा, सुबह से शाम हुई, शाम से पिच पिच पिछला फेरा। सेठ जी बस आप ही के लिए कुछ तैयारी कर रहे थे। लीजिए। ये लीजिए सेठ जी। पीजिए ना। शरबत तो हमने एक बार बचपन में पिया था, और दूसरी बार जवानी में, और फिर आप तो जानते हैं कि जवानी दीवानी होती है, और इसी जवानी दीवानी की हमें एक पुरानी कहानी याद आ गई। अरे आप लोग भी बैठकर सुनिए। शुक्रिया जी। हमारी रियासत पालनपुर पापड़ वाला के पड़ोस में एक जजय जागीरदार रहते थे, उनका आचार का व्यापार था, लेकिन बाग जलते थे हमारे पापड़ों से। एक दिन उन्होंने हमें दावत पर बुलाया, अरे हम इनकार करने वाले तो नहीं थे, हम जा पहुंचे। जानते हैं फिर क्या हुआ? क्या हुआ? अजी वहां भी इसी तरह से शरबत आया, रह रंग भी ऐसा ही था, अनार का है ना जी, वो भी अनार ही का था, और ये जो ग्लास है ना वो भी एक 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 ही तरह के थे। हमारा मतलब है कि आप किस साहिब से बात करना चाहेंगे? सेठ पालनपुर पापड़ वाला है जी। ओ, आपके भाई साहब हैं? भाई साहब? ओ आप हैं जी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी भाई साहब, अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। सेठ जी बात ऐसी है कि हमने आपके आने की खुशी में एक छोटा सा जलसा रखा है। हाँ हमारे स्वागत में जलसा, हम जरूर आएंगे और चचा 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 चूरन खाकर आएंगे। आप बुलाएं और हम ना आए तो ये भाई बंदी कैसी हुई? आप कहें तो जलसे के लिए 500,000 पापड़ ले आऊं। पापड़? नहीं नहीं सेठ जी नहीं, आप अकेले आ जाइए, पापड़ को कमरे में छोड़ आइए। आपको पापड़ से बहुत चिढ़ है। लो बबुआ
कीदर की मौत आ गई है, हमें बुलावा आया है, मौका अच्छा है, हम नीचे जश्न देखेंगे और हम ऊपर जलवा दिखाएंगे। आपको यकीन है वो आएगा? वो आएगा, जरूर आएगा। आ गया। आइए सेठ जी आइए, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, हम अभी भी आप ही को याद कर रहे थे। झूठ, याद नहीं कर रहे थे, आप लोग शक कर रहे थे। बुजुर्गों ने कहा है कि जहाँ शक होता है वहाँ यारी नहीं होती, और जहाँ यारी होती है वहाँ शक नहीं होता। मार दिया ना पापड़ वाले को। आपका सेक्रेटरी आपके साथ नहीं आया सेठ जी? माफ कीजिए सेठ, पालनपुर हापड़ वाला हर जगह अपनी तुम लिए लिए घूमना पसंद नहीं करता, और फिर आपकी दुम तो आपके साथ है। क्या? मार दिया पापड़ वाले को, यहाँ और लोग नजर नहीं आ रहे। आज की महफिल सिर्फ आपके लिए सेठ जी। मेरे लिए? सेठ हापड़ वाले के लिए? मार दिया पापड़ वाले को, इसका मतलब ये है कि कोई खास महफिल है। और खास इंतजाम भी है आपके लिए। तेजी तो नहीं है। जाम मौजूद है और साथी पर्दे के पीछे। पर्दे में? अरे भाई, ये सेठ हापड़ वाले से पापड़ वाली पर्दा क्यों कर रही है? पर्दा पर्दा ना रहे भाई, हटाओ इस पर्दे को जल्दी। सेठ जी, पर्दा हट गया ना तो पसीने आ जाएंगे। अरे भाई, पसीने तो तुम लोगों को देखकर ज्यादा आ रहा है, हटाओ। अभी आपका पसीना दूर किया देता हूँ सेठ जी। चांदी की या पीतल की, कटारी फिर भी कटारी है। सोने की हो चांदी की या पीतल की, कटारी फिर भी कटारी है। होठों पे न लाना बात दिल की तू, ये जिंदगी तुमको तो प्यारी है। पत्थर से टकराएगा, आज शीशा जो पत्थर से टकराएगा, अपने आप को अपनी मौत बुलवाएगा। मौत आ जाएगी तेरी कि जब मर्जी होगी मेरी, जो अपने रंग दिखा दूंगा तो छुट्टी हो जाए तेरी। ये सब तलवारें हैं प्यासी के आगे तेरी है बारी, ये सब तलवारें हैं प्यासी के आगे तेरी है बारी। तलवारों पे भारी ओ मेरी, सोने की है ये कटारी। सोने की कटारी हो या पीतल की, जो बाजी खोरी वो भारी है। अरे सोने की
की हो चांदी की या पीतल की कटारी फिर भी कटारी है। चलते शोलों को जो हाथ लग जाएगा याद रख लो वही हाथ हो जाएगा। हाथ में मिला दूंगी मैं तेरी जिंदगानी को, रहने नहीं दूंगा तेरी एक भी निशानी को। आज से खत्म हुआ तेरा दाना पानी है, खत्म कहाँ शुरू हुई ये कहानी है। तेरा जीना मरना तो मुझे दर्द कैसा जो ऊपर वाला साथ है। तू अपनी खैर मना ले, तू अपनी जान बचा ले, तुझे अब लिया घेर है, तेरी किस्मत का फेर है कि अब थोड़ी सी देर है, तेर पे सवा तेर है कि अब थोड़ी सी देर है। शेर फिर होता शेर है, शेर फिर होता शेर है, शेर फिर शेर है शेर। छिपकली है मैंने जो कुछ तुम्हें बताया है वो सब सच है, क्योंकि मैं खूनी हूं, डाकू हूं, जानवर हूं, लेकिन ये जो स्मगलर है देश के दुश्मन हैं, और देश के दुश्मन मेरे दुश्मन, हम सब के दुश्मन। तुम्हारे लब खत्म हो चुका है शेर सिंह, मुझे बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी। तलाश आप ही को नहीं, इस खतरनाक डाकू की तलाश हम पुलिस वालों को भी थी। बहुत अच्छा हुआ यह कमबख्त आज रंगे हाथों पकड़ा गया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप जब चाहें पुलिस स्टेशन आकर अपना इनाम ले सकते हैं। चलो शेर सिंह, चलो। चलो इंस्पेक्टर। क्या है? वो सोने की कटारी वहां पड़ी है, वो मेरी है। पांडुरंग कटारी ले आओ। यस सर। चलो। देखता हूं ये फिल्म कैसे बनकर रिलीज होगी। देखा शेर सिंह, अब भैंसा खुद ही बने के लिए आ जाएगा। अरे बबुआ, मैंने भी कटारी तैयार रखी है। मैं तैयार हूँ, सब ठीक है ना? हाँ, हाँ? सब ठीक। लेकिन बाल ठीक नहीं। चलेगा, एकदम चलेगा। अरे यार दीना नाथ, उल्टा पकड़ा। अरे बबुआ, हम जो चीज भी इस्तेमाल करते हैं सोच समझ कर करते हैं। हम डायरेक्टर हैं, गधे नहीं। पास फेल करना हमारा काम है। आपका काम है हम जो कहें वो बोलना। सुनिए, आप यहाँ नदी के किनारे खड़ी रहेंगे मेरे इंतजार। इतनी देर में तीन पापी पाखंडी भयंकर आदमी आएंगे, तुम्हारा पीछा करेंगे, तुम्हें तंग करेंगे। तुम उनसे बचने के लिए नदी में घुस जाओगे। उसके बाद मैं हीरो आऊंगा, नदी में कूद जाऊंगा और तुम्हें बचाऊंगा। आप मुझे बचाएंगे, उसके बाद मुझे कौन बचाएगा? भाई को इतनी जल्दी भूल गई? अरे मार्केटारी शेर सिंह बचाएगा। नाम नहीं लेना। नो नो यस यस, अरे डायरेक्टर बचाएगा। कट कैमरा।
अरे क्या हो रहा है, सामान निकाल क्यों नहीं रहे हो? कौन? अभी तो बहुत देर, तुम थक जाओगे, लाओ ये मुझे दे दो, जाओ वहां बैठ जाओ। अंदाज। अरे कट कट कट, मैं डायरेक्टर हूं या गधा? पकड़ पूछा ही शुरू कर दिया। रुक जाओ। नहीं धनराज, ये तो अपना यार पिट रहा है। बबुआ, इन दूसरों को बता दो कि हम कौन हैं। नहीं, नाम बताना नहीं, अपना हाथ ही बताएगा। अरे भाई वहां कहां अटक गए, जल्दी चलो। अरे इस मशीन की अजीब बात है, जरा से रंग बिगड़ गई तो सारा खेल बिगड़ जाता है। सूरज बच्चन, ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। क्यों, इससे पहले मुझे कभी देखा नहीं? ऐसे ही समझ लो, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। शंकर, और कितनी देर इंतजार करना होगा? बस स्वामी जी, दो घड़ी की देर है, आप चिंता न कीजिए। चिंता तो करनी ही पड़ती है। हरिओम हरिओम बच्चन। जी स्वामी जी। आरती के बाद प्रसाद के लिए हमें जरूर मिलना। हरिओ हरिओ हरिओ। मिल गया, ठीक हो गया। अच्छा सिंह, आप जाकर उस हीरो को लाकर इस कुर्सी पे बिठा, अगला पिछला सब भूल जाएगा। मजा देखो। लाओ लाओ, बुला के लाओ, सब ठीक हो जाएगा।
आज तक तुम दूसरों के हाथ में खिलौने बने रहे हो सूरज, लेकिन आज मैं तुम्हारी याददाश्त के सब अंधेरे दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें समझाता हूँ तुम कौन हो। मैं ये तुम्हें बताने के लिए आया हूँ या कोई नहीं है। इस कुर्सी पर बिठा कर ना जाने तुमने कितने मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है। अब ये काम तुम कभी नहीं कर सकोगे, कभी नहीं। बोलो शंकर, तुम सूरज हो, तुम्हारी एक बहन शीला गांव में बूढ़ी माँ है जो आज भी अपने बेटे की सूरत देखने के लिए तड़प रही है। तुम्हारी हिम्मत कोई है? बोलो, तुम शंकर नहीं सूरज हो, सूरज हो, शंकर नहीं सूरज। खुदा की कुदरत है, कभी आप अपने घड़ी को देखते हैं, कभी पिस्तौल को। अरे जनाब, जरा हमारी तरफ भी तो देखिए। अच्छा, तो आप शायर भी हैं? आपकी दुआ से। तो ये समझ लो हमारी दुआ कबूल हो गई और तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया। खुदा की कुदरत है। ये क्या चक्कर? चक्कर नहीं जनाब, चक्कर पे चक्कर है। आपने तो हमें कत्ल करने का इरादा कर ही लिया है, मगर हम भी आपका ये इरादा बदल देने की हिम्मत रखते हैं। हमें चैलेंज देना चाहती हो? हमारे वार से बचने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? खुदा का दिया हुआ हुस्न है, नजरों की तीर है, कहिए कौन सा तीर चलाऊं? तीर चलाना तुम्हारा काम है, बचना हमारा काम। Oh,
हरिओम। प्रसाद लिए बिना ही जा रहे हो बच्चन? नहीं स्वामी जी, ऐसी बात नहीं है। असली बात यह है कि शंकर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। तुम्हारी आवाज तुम्हारे चेहरे का साथ नहीं दे रही, जानते हो क्यों? इसलिए कि आवाज तुम्हारी अपनी है लेकिन चेहरा किसी और का है। रवि कुमार, तुम जिंदा हो? इसलिए जिंदा हूं स्वामी जी कि आपकी मौत की लकीर ऊपर वाले ने मेरे हाथ में लिखी है। या यूं कहो, लकीर का फेर ही तुम्हें यहां घेर कर लाया है। एक बार हमारे जाल से बच गए लेकिन अब नहीं बच सकते। आप अपनी चिंता कीजिए महाराज, किसी की जिंदगी या मौत आप जैसे ढोंगी साधु के हाथ में नहीं होती। यहां तक पहुंच तो गए लेकिन यहां से निकलना इतना आसान नहीं। निकलने का रास्ता तो पहले से ही सोच कर आया हूं स्वामी जी। आरियो, आरियो, आरियो। कहा था ना, यहां से निकलना बहुत मुश्किल है। ले जाओ दोनों को और आरती उतारो। जरा इधर आ जाओ। Thank you.
देखा बबुआ, सर की घंटी बज गई। टेलीफोन की घंटी बजी। ओ हेलो रवि। माँ इन लोगों ने मुझे पकड़ रखा है बेटा। और अब कभी मिल भी नहीं सकोगे रवि कुमार। हेलो कौन बोल रहा है? मेरी आवाज नहीं पहचानी? हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। कल सूरज डूबने से पहले पुराने किले पर उन फिल्मों के डब्बों के साथ पहुंच जाना। हेलो शेषन, दुश्मन ने मेरी मां को कब्जे में कर लिया है। क्या? ये स्वामी की आखिरी चाल है, लेकिन अब मैं ये बाजी नहीं हार सकता, कभी नहीं हार सकता। आओ बता दो तुम सबको क्या करना है। मुझे बहुत डर लग रही है रवि, कहीं ये कदम भी गलत पड़ गया तो माँ। मेरी फिक्र मत करो शीलू, माँ के लिए तो अपनी जान हथेली पर ले जा रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं सब जानती हूँ रवि, फिर भी ऐसे खतरनाक दुश्मन से टक्कर लेना कोई आसान। क्यों डर गई क्या? एक सुपरस्टार होने का यही तो फायदा है, जब तुम मुझे नहीं पहचान सकी तो दुश्मन क्या खाक पहचानेंगे। लेकिन रवि तुम्हारी आवाज, इसे अगर उन्हें शक हो गया तो? जब एक स्टार अपनी शक्ल बदल सकता है तो आवाज भी बदल सकता है। इधर हम अंदर अपना तमाशा दिखाएंगे और उधर शेर सिंह बाहर अपना खेल दिखाएगा। हरिओम हरिओम। देवी ये फूल नहीं, दो मुस्कुराते हुए बालक हैं। जा ले जाए ने, तेरी गोद हरी भरी हो जाएगी। सुखी रहो सुखी रहो। स्वामी जी समाधि में बैठने का समय हो गया है। ये स्वामी जी तो आज बड़ी लंबी चौड़ी समाधि में चले गए, सुधीर जाके देखो तो। हरिओम हरिओम। अब भूत देखने की चीज तुम अपने साथ लेकर आया हूँ। ये तो वो, अरे ये वही हीरोइन है जो तुम्हारे हाथ से फिसल गई थी लेकिन मेरे हाथ से नहीं बच सकी। मैंने सोचा कि रवि कुमार की माँ तो हमारे कब्जे में है ही, उसकी महबूबा को भी साथ ले चलो, बड़े काम की चीज है। अरे एक बार मेरे हाथ खोल दे फिर मैं तुझे दिखाती हूँ मैं किस काम की। जल गई लेकिन बल नहीं गया। फिकर मत कर बच्चू, तेरे कमर के बल निकालने के लिए रवि कुमार अभी आते ही होगा। रवि कुमार यहाँ। बाप को हंसी में मत डालो, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो किसी वक्त भी यहाँ आ सकता है। सुनो तुम यहाँ का सारा माल इकट्ठा करो और यहाँ से भागने की तैयारी करो। और सुनो वो बुढ़िया कहाँ है? वो तो आती वाले कमरे में। हाँ तो ठीक है, तुम स्विच ऑफ कर दो, ना बाहर से कोई अंदर आने पाए ना अंदर से कोई बाहर जाने पाए। ठीक है ठीक है। जाए जाएगी। छोड़ दो मुझे। हरिओम हरिओम। भक्तो अरे भाई कोई है चौबे ससुर दास को स्वामी जी के चरणों तक पहुंचा दे। अरे भाई स्वामी जी, अरे भाई मुझे स्वामी जी के चरण कमल तक पहुंचा दो। अरे भाई स्वामी जी स्वामी जी स्वामी चरण कहाँ है? तुझे क्या कष्ट है बच्चा? महाराज ये बच्चा 12 बच्चों का बाप और 41 बच्चों का दादा है, फिर भी महाराज कष्ट ये है कि 7 जन्म पहले मैं अंधा हो गया था, तब से चक्कर पर चक्कर काट रहा हूँ। महाराज 3 जन्म पहले एक महान आत्मा ने बताया कि तेरी आंखों की मुक्ति स्वामी हरिओम के हाथों में है। महाराज मैं आपके चरण कमल अब नहीं छोड़ूंगा महाराज महाराज। शांत हो जाओ बच्चा शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अब हमारा समाधि का समय हो गया है। बहाना नहीं करिए महाराज, मेरी आंखों का उजाला मुझे वापस दे दीजिए, मैं अगले 7 जन्म तक आपका उपकार मानता रहूंगा महाराज, दे दीजिए महाराज। ठीक है बच्चा ठीक है। ये लो बच्चा। क्या लूं महाराज? ये एक पुष्प है। पुष्प? आंखें बंद करो बच्चा। लो महाराज। इस पुष्प को
शुद्ध जल में भिगोकर 7 दिन तक अपने चशु पर लगाओ, तुम्हारी दृष्टि लौट आएगी बच्चा। महाराज, महाराज, मैं तुम्हें देख सकता हूँ महाराज। चल। हाँ महाराज, मैं आपको देख सकता हूँ। ये लो, ये गेंदे का फूल है, इसे आप लीजिए महाराज। भाइयों, भाइयों, मेरी आंखें वापस आ गई, मुझे मेरी दृष्टि मिल गई। स्वामी जी की जय। महाराज, आपने वो पुष्प मेरे नेत्रों पर क्या लगाया, आपकी सारी शक्ति मुझ में आ गई। अब तेरी मेरे सामने कोई हस्त नहीं। अरे क्या वक्त है, रूप पुजारी नहीं, मदारी। मदारी? मुझे मदारी कहता है? ये देख। छोटा मदारी, छोटा फूल, ये देख। वाह। बड़ा मदारी, बड़ा फूल, अब मुझे टक्कर लेता है, ये देख। हरिओ। ये क्या है? धोबी। तो देख धोबी। अरे कहाँ गई? पाखंडी, मेरी तीसरी आंख खुल गई है, अब मैं अंतर्यामी हो गया हूँ। तेरे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सबका सब दिखाई दे रहा है। और ये भगवान, हरिओम हरिओम, इनके पीछे तो रंग बिरंगी बोतलें ही बोतलें हैं, बोतलें ही बोतलें हैं। वो शुद्ध जल है, उसमें शरबत है, शरबत। चलिए अंदर चलकर जलपान कर लीजिए। अरे पाखंडी, बटन दबाने से कुछ नहीं होगा, तेरा चक्र भी बंद हो चुका है। मैं समझ गया था तो मुझे कहां ले जाना चाहता है, अब तू मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। महाराज, 1,00,000 रुपए ले लीजिए। नहीं, 1.5 लाख। 1.5 लाख? अब 2.5 लाख। 2.5 लाख? अब 3.5 लाख। अच्छा, 3.5 लाख ही सही, लेकिन अंदर तो चलिए। नहीं, बाहर। अंदर? बाहर। अंदर महाराज, बाहर। अच्छा, बाहर तो बाहर ही सही। ऐसा बोलो। अरे भाई परमानंद, आजा आजा, ये तो बड़ी जल्दी फैसले के लिए तैयार हो। ये परमानंद क्या चीज? वो देखो, सामने तुम्हारा बाप है। कंकर? कांटा लगे न कंकर। अभी तो तेरे सारे चमत्कार तेरे भक्तों के सामने रखने हैं। ये देखो, ये फूल, पुष्प, ये देखो चमत्कारी रुपए। और ये देखो, राम भक्त ने सीने पे क्या देवियां सजा रखी हैं। हरिओम। पाखंडी को छोड़ो, असली महात्मा तो वो है जिन्होंने इसकी पोल खोल दी। एक बार मेरे बेटे से मुझे मिला दे बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। अब दूत, ये सब क्या हो रहा है? रवि कुमार, अब दूत, क्या देख रहे हो? मेरे रवि, अच्छा हुआ तुम आ गए, ये लोग मुझे मार डालना चाहते हैं, और माँ को भी। मुझे बचा लो, हमें बचा लो रवि। लड़की, तुम मेरा धर्म भ्रष्ट करती है। मैं रवि नहीं हूँ, स्वामी जी हूँ, स्वामी जी। चल हट। अब धूत, मैं तुमसे पूछता हूँ कि किसके हुक्म से तुम इस बुढ़िया को यहाँ लेकर आए हो? मेरे हुक्म से। क्या कहा? अब धूत, पकड़ लो इस बदमाश को, बड़ा एक्टर बना फिरता है।
अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते रवि कुमार। रवि कुमार नहीं नहीं, मैं रवि कुमार नहीं हूँ। अब दूध ये रवि कुमार धोखेबाज। डाली अब इनके सामने अपनी असलियत खोल दो, नहीं तो माँ बेमौत मारी जाएगी। यही सही मौका है, जरा पैर के दो चार हाथ दिखा दो। छोकरी हम स्वामी है, बैठे नहीं है। और तुम भी इतने गधे हो। अयो स्वामी को मार दिया। अगर एक लफ्ज भी जबान से निकाला जबान खींच लूंगा। स्वीट हार्ट कहीं चोट तो नहीं आई? कितनी जोर से मारा जालिम ने। दूर हट, मैं खून पी जाऊंगा इस कमीने का। अब दूर इस नकली स्वामी को आरती वाले कमरे में ले जाओ, होश ठिकाने आ जाएंगे इस बेईमान के। मुझे बेईमान कहता है? फिर भी दूर डाली, थोड़ी बहुत बेईमानी तो हम कर ही रहे हैं। लड़की हट जा मेरे रास्ते से, वरना मैं तेरी गर्दन दबा दूंगा। भूषण कन्या को इस पाखंडी से अलग करो। चल वाह 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 वा। क्या एक्टिंग कर रहे हो रवि कुमार, झूठ को सच बनाने के लिए अपनी महबूबा की गर्दन दबा रहे हो। तुम्हारा भी जवाब नहीं, तुम दोनों की एक्टिंग का जवाब नहीं। क्या सीन जमाया है, मगर क्लाइमैक्स मेरी मुट्ठी में है। अभी पता चल जाएगा तुम दोनों में से असली कौन है, नकली कौन। लड़की ये मत भूलो कि तुम इस वक्त मेरे कब्जे में हो। अगर अपनी खैरियत चाहती हो लड़की, तो अच्छी तरह सोच कर मुझे बता दो कि इन दोनों स्वामियों में से असली स्वामी कौन है और रवि कुमार कौन। सच सच बता दे रवि कुमार, नहीं तो भूत बाटा लेगा। चुप, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। अरे जल्दी, यही है रवि कुमार। मैं जानता था तू कभी सच नहीं बोलेगी। अपने यार को बचाने के लिए मेरे साथी को मरवाना चाहती है। तुम फिर से शट अप, बंद करो ये ड्रामा। तुम दोनों में से असली रवि कुमार कौन है ये मालूम करने की तरकीब है मेरे पास। रोशन इसे संभालो। दुनिया में आज तक कोई बेटा इतना कमीना नहीं हुआ जो अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरता देख सके। जहीर बुढ़िया को ले आओ, देखेंगे तेरा बेटा कब तक अपनी मां के तड़पने का नजारा देख सकता। रणवीर रवि कुमार। तू कहां जाता है? ए अब्दुल मैं भूखा देखते हो, लगा दो सबको ठिकाने। अबे ओ हरिओम, तू हमें क्या ठिकाने लगाएगा, हम तो ठीक ठिकाने ठोक ठाक के ठीक वक्त पर पहुंच गए। घेर लो सबको। क्यों शेर सिंह, सबके सब ठीक ठिकाने ठोक ठाक कर ठीक वक्त पर पहुंच गए ना? इतनी सी चूक हो गई, अब तमाशा देखो। आखिरी बार एक दूसरे को जी भर के देख लो, थोड़ी देर में इस जहरीली गैस का धुआं तुम सबको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगा। यहां से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर किसी ने यहां आने की हिम्मत की तो इस प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही
वो अपनी आंखों से तुम्हारी मौत का नजारा देख सकेगा। Wishing you all a very happy death. मान गया भूत, तुम तो हमसे भी दो कदम आगे निकले। अब आप दो कदम पीछे हट जाइए। हाँ जी? जी। स्वामी जी, आपकी आखिरी समाधि का बंदोबस्त भी कर दिया मैंने। क्या भक्ता है? भक्ता नहीं हूँ, आप ही का सिखाया हुआ गुरु है ना स्वामी जी। हाथ आए हुए मौके को हाथ से जाने मत देना। मुजरिम आज हमारे हाथ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमिश्नर साहब, इस शुक्रिया का असली हकदार मैं नहीं, वो है। इन्हीं की वजह से मैं इन बदमाशों तक पहुंच पाया। इधर तो कोई नजर नहीं आता, किसकी बात कर रहे हैं आप? आप मुझे नहीं पहचानते। वैसे तो मुझे कोई भी नहीं पहचान। आई हो, ये थोबड़ा ही ऐसा है लेकिन ये दिल बहुत बड़ा है। कहिए तो चीर कर दिखाऊं। ये क्या कर रहे हैं आप? तो फिर आप जल्दी से मुझे हथकड़ी लगा दीजिए। हथकड़ी? आपका जुर्म क्या है? मेरा नाम ही मेरा जुर्म है, डाकू शेर सिंह। डाकू शेर सिंह? क्यों, खा गए ना चक्कर? इसी को कहते हैं चक्कर पे चक्कर। चक्कर पे चक्कर खा जाए हमसे ले जो टक्कर, हम
कदम चले जो टक्कर यही है अपना कहना जरा तुम बच के रहना।